Hello viewers, in this program I am going to tell you how to make a letter counter in a word by Python. एक word में एक ही repeatative letters कितनी बार आए हैं इसको बनाने के लिए letter counter बना रहे हैं. Word equals to str input enter word. First of all you have to enter the word. Letter equals to str input लेटर टू सर्च इन अ गिवन वर्ड. अब आपको वो लेटर वर्ड में सर्च करना है जिसको आपको ढूंढना है. सो काउंट इक्वल्स टू जीरो. नाउ यू हैव टेकन अ वेरिएबल काउंट इक्वल्स टू जीरो फॉर एल इन वर्ड. अब हमको लेटर वर्ड में जो ढूंढना है उसका वेरिएबल एल लिया. इफ एल इक्वल्स टू लेटर, अगर आपका एल लेटर है, जो लेटर आपका आ रहा है उसमें, तो काउंट वन करेंगे. तो जो भी लेटर रिपीटेटिव आएगा वो उसमें काउंट कर लेगा. प्रिंट एफ लेटर, लेटर पाई बार वॉज रिपीटेड काउंट टाइम इन द वर्ड. तो अब हम इसको फॉर्मेट करके प्रिंट कर रहे हैं फंक्शंस के थ्रू कि लेटर कौन सा हम ढूंढ रहे हैं और वो कितनी बार आया है, वो काउंट में आ रहा है. तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है. सपोज हमने अपना नाम दे दिया और हमने कहा कितनी बार ये आया है देखिए, तो उसने ढूंढ दिया कि रतन में दो बार ये आया. अभी और कुछ लंबा इसको कर देते हैं, फिर से इसको रन करते हैं. अब कि हम पूरा नाम देते हैं, अब हमने ए ढूंढा तो ए फोर हो गया ना, इसलिए जीरो हो गया. फिर से रन करते हैं, गलत टाइपिंग हो गई थी, इसको फिर से रन करते हैं. अब देखिए फाइव टाइम्स दे रहा है, मतलब जितनी बार वो आएगा वो उसको काउंट कर लेगा. इसमें देखिए एक दो तीन चार पांच बार आया, फाइव टाइम्स आया है. सो It will take five times. So this way you can count the number of words in a given string or in a word. तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लंबी string कुछ डालते हैं, letter to search in a given string. अब वो पूरे उसमें ढूंढ रहा है तो यहाँ पर अच्छा फिर से रन नहीं हुआ है, रन करते हैं. लेटर टू सर्च इन अ गिवन स्ट्रिंग. अब हमने मान लीजिए इसमें सर्च किया कुछ भी करिए, तीन ही तीन है सब, तो हमने टी कर लिया मान लीजिए, तो फोर टाइम्स उसने दे दिया. अब देखिए फोर टाइम है कि नहीं है, लेटर में दो टी है, फिर टू में टी है और स्ट्रिंग में टी है, तो वो चार बार टी को सर्च करके दे देगा. सो दिस तरह से लेटर काउंटर इन वर्ड और यू कैन से अ स्ट्रिंग. तो पाइथन में इस तरह से हम लेटर काउंटर को बना सकते हैं. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल इन दिस. और यहाँ पे ये फॉर्मेट करा है हम लोग ने कि किस क्या चीज कहाँ पे प्रिंट होगी. यहाँ लेटर लिखा है तो लेटर दे देगा, यहाँ काउंट लिखा है तो नंबर ऑफ काउंटेड लेटर का काउंट दे देगा. सो फॉर्मेटिंग भी सीखना पड़ेगा आपको. हमने एक पूरा वीडियोस पे बनाया है, अगर आपको नहीं आता है तो उस वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में से जाकर चैनल पे जाकर के आप पाइथन में प्रोग्राम्स ढेर सारे हैं वहाँ से जाके इसको सीख लीजिए. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल
और हम इसको आई बटन में भी दे देंगे कि कैसे इसको फॉर्मेट करते हैं।